नमस्कार, आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इधर बीती रात चोरों ने पत्रकार के ससुराल में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना रांची जिला के सिल्ली प्रखंड क्षेत्र रांची पुरलिया रोड बड़ा मुरी बस स्टैंड समीप की है। दरअसल प्रदीप प्रमाणिक सोनातो प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं और उनकी ससुराल बड़ा मुरी में है। चोरों ने गहने समेत 20,000 रुपये ले उड़े। रात्रि की घटना में परिजनों को पता तक नहीं चला। घटना का पता सुबह चलने पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे आशीष न्यूज। बीती रात जो है अज्ञात चोरों के द्वारा बड़ा मुरी में एक घर में चोरी की गई है। आइए हम उनके परिजन से बात करते हैं कि चोरी कैसे हुआ, क्या हुआ है। मैं प्रदीप कुमार प्रमाणिक, मोरी में मेरा परिवार यहाँ पर रहते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई भी करते हैं। कल की घटना है, मैं तो सोनातू में था, मैं सोनातू का दैनिक भास्कर का रिपोर्टर भी हूँ। मुझे पहले सुबह हमको मेरा पत्नी द्वारा मैंने जानकारी हमको मिला, फोन द्वारा हमको सूचना मिला कि यहाँ पर चोरी हुआ है। अंदर उन लोग रूम में सोई हुई थी, दरवाज़ा दोनों तरफ मैंने बंद था। कैसे चोरी हुआ ये मैंने उन लोगों को पता नहीं चला। हम पूछताछ किए तो सोने से पहले उन लोग दरवाज़ा बंद करके सोई हुई थी। 11 बजे तक उन लोग जगले थी, 11 बजे के बाद ही ये घटना हुई है। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये जो पेशेवर है उसी के द्वारा ये चोरी हुई है। और सारे सामान वहाँ पर अलमारी खोल कर, दोनों अलमारी खोल करके सारे जेवरात और नगद पैसे लेके गए हैं। और इसकी सूचना पाकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और थाना को भी सूचित मैंने जानकारी दिया गया है। जानकारी मिलते ही यहाँ पर छानबीन के लिए पुलिस प्रशासन पहुँची हुई थी और यही सारी अभी छानबीन चल ही रही। चोरी जो हुई आपके घर में, तो किस प्रकार चोरी हुई? हम जब सुबह को सो के उठे तो देख रहे हैं मेरा अलमारी पूरा दोनों खुला हुआ था और उसमें मेरा 20,000 कैश था नगद और सामान मेरा जेवर था 75,000 तक आसपास का होगा। ऊपर से मेरा लड़का 500 रुपया टेबल में रखा था, वो भी नहीं है। मेरी लड़की कुछ पैसा रखी थी डब्बा में, हाँ किचन के सामने था, वो भी नहीं है। और दोनों अलमारी के अंदर हम चाबी एक गो अलमारी के अंदर रखें, दूसरा अलमारी में खोल के निकाल कर देख रहे हैं पूरा दोनों अलमारी खुला हुआ था। अब मेरा दो तीन पायल था, दो गो सोना का कान का था, पायल चेन 5 गो था, एक गो नाक का भी सोना का था। मेरा लड़की का फिर ये सब भी था, सामान सब भी पूरा टोटल मिला के 75,000 तक का होता सामान नहीं सबको। हम यहाँ पर अलमारी के सामने ही सोए थे, पलंग में सोए थे, उसमें लड़का सोफा में सोया था, तो मेरे लड़की के साथ हम सोए थे पलंगठों में उसी सामने ही। लेकिन जब उठे जब सब चक्कर लग रहा था, पूरा माथा मेरा घूम रहा था, देख रहे हैं पूरा खुला हुआ है नहीं, तो सबसे पहले खोलें और उसके भैया को बुलाएं, आके भैया भी देखें, वो भी हो गए हैं। इसके पापा को फ़ोन किए, इसके बाद हाँ इसके बाद पुलिस को थाना वाला को फ़ोन किए, भैया को फ़ोन करने बोले, सब साहेब लोग आए और फिर छानबीन की।